बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम बेटा, हम लोग 5 क्लास का साइंस का यूनिट नंबर 6 कर रहे थे, प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ प्लांट। ठीक है, तो रोशनी का जो खूसियात है, उसका जो बिहेवियर है, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो इसके बारे में हमारे ना 12 क्वेश्चन हो गए थे। लास्ट क्वेश्चन में हमने जो लॉन्ग क्वेश्चन किया था, उसमें हमने बेटा ये देखा था कि जो रोशनी है वो शेड लाइट में ट्रेवल करती है, और हमने ये बात साबित भी की थी कि हमने 3 एक जैसे कार्डबोर्ड, यानी कि आप सादा लफ्ज़ में जो क्लिप बोर्ड होता है या जो गद्दे होते हैं, वो आपने लिए थे, उनमें बराबर करने पर सुराख किया था। एक तरफ आपने मोमबत्ती को रखा था, बेटा जब वो सुराख तीनों सीधी लाइन में थे तो हमें जो मोमबत्ती का शोला था वो नजर आ रहा था, जब वो सीधी लाइन में नहीं थे तो हमें जो मोमबत्ती का शोला वो नजर नहीं आ रहा था। तो इस बात से हमें ये पता चला कि जो रोशनी है वो एक स्ट्रेट लाइन में सीधे रास्ते में फासला तय करती है। आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो साया क्या है, व्हाट इज शैडो। हमें सबको पता है कि साया क्या होता है, क्योंकि जब अक्सर हम धूप में चल रहे होते हैं तो हमारे साथ हमारा साया चल रहा है, हमारे मतलब साथ साथ हमारा साया होता है। तो अब साया होता क्या, वो कह रहे हैं रोशनी के रास्ते में रखी हुई गैर शफाफ चीज के पीछे बनने वाला तरीक इलाका साया कहलाता है। ठीक है, जो डार्क पार्ट होता है ना, जो किसी भी गैर शफाफ समूह होता है जिसमें से रोशनी नहीं गुजर सकती, तो जब ऐसे किसी जिस्म पर रोशनी पड़ती है और रोशनी उसमें से नहीं गुजर पाती तो वो उसका साया बना देती है। और जो साया होता है वो आपको पता, अगर आपने देखा होगा, आपने जो साया होता है बेटा वो तरीकी होता है, तरीकी इलाका होता है। ठीक है, उसे हम साया बोलते हैं। द डार्क रीजन, तो डार्क रीजन जो तरीकी इलाका होता है, बिहाइंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट फेसिंग लाइट सोर्स इज कॉल्ड शैडो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम साया कहते हैं। बेटा साया क्या होता है कि जब भी किसी गैस शफाफ को रोशनी के सामने रखा जाता है, रोशनी उसमें से नहीं गुजर पाती तो रोशनी उस चीज का साया बना देती है। ठीक है, और साया हमेशा तरीकी इलाका होता है। ठीक है, आगे साया कैसे बनता है, पहले था साया क्या, अब हम देखेंगे साया कैसे बनता है। तो इसका आंसर तो मैंने तकरीबन आपको बता दिया कि जब कोई गैर शफाफ चीज रोशनी के रास्ते में आती है तो रोशनी इसमें से गुजर नहीं पाती। ठीक है, तो जिससे गैर शफाफ चीज के पीछे एक तरीकी इलाका बनता है, ये तरीकी इलाका साया कहलाता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ लाइट, जब हम किसी गैर शफाफ जिस्म को रोशनी के रास्ते में रखते हैं, इट्स कैन नॉट पास थ्रू, तो रोशनी जो होती है उसमें से नहीं गुजर पाती, हेंस शैडो इज फॉर्म्ड, तो उसका साया बन जाता है बिहाइंड द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इस गैर शफाफ चीज के पीछे। तो बेटा जो साया होता है वो हमेशा किसी चीज के पीछे बनता है, पीछे से मुराद ये कह सकते हैं कि चीज भी एक तरफ रोशनी की तरफ है ना, तो उसकी ऑपोजिट साइड पे हमेशा साया बनेगा। ठीक है, अगर आप खड़े हैं सूरज मशरिक की तरफ है तो आपका जो साया है वो आपकी बैक साइड पे यानी कि मगरिब की तरफ बनेगा। ठीक है, तो साया हमेशा किसी जिस्म के पीछे बनता है, कब, जब रोशनी उसको फेस कर रही है, जो रोशनी का सोर्स है उसके सामने हो। तो ये थे आज के 2 क्वेश्चन, तो उनको आपने बेटा पढ़ना भी है और इस तरह याद भी करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले क्वेश्चन करेंगे, हमारा ये चैप्टर भी तकरीबन खत्म हो चुका है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि साय की खसूसियात क्या क्या। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में।